अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हरे मसाले में कड़क तला हुआ गोश्त। एक कप मैंने डंडियों के साथ हरा धनिया लिया है, 10 हरी मिर्चियाँ ली है और 2 डंडी ली है कड़ी पत्ते की, इसको मैंने धो दिया है। अब इसको मैं पीसूंगी नमक डालकर मिक्सी में। ये आधा किलो बोनलेस मटन है, इसको मैंने धो दिया है। इसमें मैं 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। नमक ऐड करूंगी। एक टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे इसमें। जो मसाला हमने हरा मसाला पीसा है ये आधा ऐड करेंगे, आधा बाद के लिए रखेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे गोश्त गलने के लिए, इसको मिक्स कर देंगे और इसको प्रेशर कुक करेंगे सीटी बजने के बाद से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पे। 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। गोश्त को मैंने प्रेशर कुक कर लिया है सीटी बजने के बाद से 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पे, और इसका पानी था ज़्यादा था, सुखा दिया है क्योंकि हमको इसको सूखा सूखा बनाना है। अब ये गोश्त तेल में छोड़ेंगे। गोश्त को मैंने कड़क होने तक फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून और अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करूंगी। थोड़ी सी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। बस थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें। मिक्स कर देंगे। दो मिनट तक मैंने भून दिया है, फ्राई कर दिया है गोश्त को। अब बाकी का जो मसाला है हरा मसाला इसमें ऐड करेंगे। अब फ्राई कर लेंगे गोश्त को मीडियम फ्लेम पे मसाला सूखने तक। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। देखिए गोश्त को मैंने भून लिया है हरे मसाले में, अब ये सूख गया है। गैस ऑफ कर देंगे। गैस ऑफ करने के बाद आधा नींबू निचोड़ेंगे इसमें। मिक्स कर देंगे। हरे मसाले में कड़क तला हुआ गोश्त तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।